प्रिय विद्यार्थियों, आज की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान विषय के उप विषय इतिहास के तृतीय अध्याय नाथसीवाद और हिटलर का उदय के प्रथम भाग का अध्ययन हम लोग करेंगे। बच्चों, अध्ययन की दृष्टि से हमने इसे तीन भागों में विभाजित किया है, जिसके प्रथम भाग का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। बच्चों, हम आपको प्रारंभ करने से पहले यह विषय वस्तु याद दिला दें कि हम लोगों ने प्रथम अध्याय में फ्रांसीसी क्रांति के विषय में पढ़ा, द्वितीय अध्याय में रूस की क्रांति के विषय में पढ़ा और तृतीय अध्याय में हम लोग जर्मनी में जो नाथसीवाद और हिटलर का उदय हुआ उसके संबंध में आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के जो शिक्षण बिंदु हैं हमारे, वह है नाथसीवाद का परिचय, वाइमर गणराज्य का उदय कैसे हुआ, प्रथम विश्वयुद्ध का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक रेडिकलवाद एवं आर्थिक संकट क्या था, आर्थिक मंदी के वर्ष कौन थे और हिटलर का उदय कैसे हुआ। बच्चों, आज के जो शिक्षण उद्देश्य हैं वह हैं नाथसीवाद नवीन विचारधारा से हम परिचित हो सकेंगे, वाइमर गणराज्य का उदय किन परिस्थितियों में हुआ हम समझ सकेंगे, प्रथम विश्वयुद्ध का जर्मनी पर जो प्रभाव पड़ा उसको हम अध्ययन कर सकेंगे, राजनीतिक रेडिकलवाद एवं आर्थिक संकट को हम समझ सकेंगे, आर्थिक मंदी के जो वर्ष थे 1929 से 1932 तक उसका जर्मनी पर जो प्रभाव पड़ा हम उसका अध्ययन करेंगे और हिटलर का उदय किन परिस्थितियों में हुआ इसको हम समझ सकेंगे। बच्चों, इसका प्रारंभ हम करते हैं, एक छोटी सी कहानी आपके मध्य रखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। बच्चों, हेलमुट नामक एक कहानी है, यह एक 11 वर्षीय जर्मन बालक है, इसके पिता एक चिकित्सक थे। यह एक दिन घर में लेटे हुए आराम कर रहा था तो इसने सुना कि उसके माता और पिता दबी हुई जबान से आपस में कुछ वार्ता कर रहे थे। हेलमुट ने सोचा कि लाइए हम सुने ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। उसके कान में जो आवाज़ पड़ी तो उसने जाना कि उसके जो पिता हैं वो कह रहे हैं कि क्या हमें पूरे परिवार को मार देना चाहिए या हमें स्वयं ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और आगे जो उन्होंने कहा कि हमें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई नहीं देता, हमको ऐसा लगता है कि अब मित्र राष्ट्र हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने उनके साथ किया और यहूदियों के साथ किया। बच्चों, इसमें वह क्या बात कर रहे थे हेलमुट जो है वो नहीं समझ पाया। अगले दिन हेलमुट को लेकर के उसके पिता बाग में गए, खूब दिन भर खेले, अच्छे अच्छे गीत गाए और उसके अगले दिन हेलमुट के जो पिता हैं अपने कार्यालय में उन्होंने आत्महत्या कर ली। बच्चों, हेलमुट के मन मस्तिष्क पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह बच्चा जब युवा हो गया तब तक उसके मन में एक भय था कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी जो माँ है वो उसे जहर दे करके मार दे। बच्चों, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उठते हैं तो वह हम आपसे पूछते हैं कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की। इसका उत्तर है कि हेलमुट के पिता एक नाथसी थे और हिटलर के कट्टर समर्थक थे। नाथसियों ने क्या किया था, द्वितीय विश्वयुद्ध की आड़ में जर्मनी में भीषण नरसंहार किया था जिसमें 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और लगभग 10 लाख पोलैंड निवासी एवं 70,000 ऐसे जर्मन निवासियों को मारा गया जो मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अपंग थे। अब बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्यों मारा गया, इनका दोष क्या था। बिल्कुल सही, इनका दोष सिर्फ इतना था कि ये हिटलर के या तो समर्थक नहीं थे या हिटलर की दृष्टि में उच्च कुलीन या उच्च नस्ल के नहीं थे। हिटलर एक ऐसा व्यक्ति था जो स्वयं को उच्च नस्ल का समझता था और जो उससे विपरीत कोई अगर बात करता था, यहूदी जैसे हैं या जिप्सी हैं, इनको निम्न नस्ल का वो समझता था। बच्चों, नाथसीवादी स्वयं को उच्च नस्ल का और यहूदी और जिप्सियों को हीन समझते थे। बच्चों, ये नाथसी कौन थे, आपके मन में यह प्रश्न होगा। नाथसी शब्द जर्मन भाषा के नाथसी योड़ाल, जी नाथसी योड़ाल शब्द से
बना है उसके प्रारंभिक अक्षरों को लेकर। नाथसी उड़ाला उड़ाल जो शब्द है वो हिटलर की पार्टी के नाम से भी मिलता है, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नाथसी अथवा नाजी कहा गया और इनकी विचारधारा को मानने वाले लोगों को नाथसीवादी कहा गया। बच्चों, वाद से तात्पर्य है बहुसंख्यक जनता द्वारा मानी जाने वाली कोई विचारधारा, तो उसमें वाद जोड़ देते हैं। तो नाथसी का मतलब एक विशेष प्रकार के लोग और नाथसीवादी अर्थात एक विशेष प्रकार की विचारधारा को मानने वाले लोग। नाथसीवाद के समर्थक एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में एक दल, एक नेता और एक राष्ट्र का सिद्धांत दिया। बच्चों, इस सिद्धांत को अत्यंत क्रूरतापूर्ण तरीके से लागू करवाया और संपूर्ण विपक्षी दलों का सफाया कर दिया। हेलमुट के पिता को किससे डर था? एक प्रश्न आपके मन में यह भी होगा। उनको मित्र राष्ट्रों से डर था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी और धुरी राष्ट्रों की पराजय हुई थी। अब आपके मन में एक प्रश्न और होगा कि ये मित्र राष्ट्र कौन थे और धुरी राष्ट्र कौन थे। जी हाँ, हम लोग जान लेते हैं। बच्चों, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व प्रारंभ में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ में था, लेकिन 1941 के बाद इसमें सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है, इसी का बहुत बड़ा भूभाग था। बंटवारे के पहले इसे सोवियत संघ कहा जाता था। तो पहले जो मित्र राष्ट्र थे वो ब्रिटेन और फ्रांस थे, लेकिन बाद में सोवियत संघ भी उसमें आ गया और अमेरिका भी शामिल हो गया। तो ये चार राष्ट्र थे जो मित्र राष्ट्र कहलाए। इनके जो विरुद्ध थे वह थे धुरी राष्ट्र, उनमें जर्मनी, इटली और जापान। तो जब ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसमें विजय किसकी हुई? मित्र राष्ट्रों की। तो उसी का डर था उनको, किसको? हेलमुट के पिता को। तो ये उस कहानी में वही चर्चा आपस में कर रहे थे और मित्र राष्ट्रों के डर के कारण ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब आपको यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी। आगे चलते हैं बच्चों, वाइमर गणराज्य का उदय। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ बच्चों, उस समय जो जर्मनी था अत्यंत ताकतवर राष्ट्र था और प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 तक उसमें क्या किया इसने? ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध छेड़ दिया। किसने? जर्मनी ने। विश्व के सभी संपन्न देश अपने अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए इस युद्ध में कूद पड़े। सबके अपने स्वार्थ होते हैं, सब समझते थे कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और हम जीत जाएंगे तो हमें बंटवारे में बहुत सा भूभाग मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, युद्ध बहुत लंबा चला। जब युद्ध लंबा चला तो पूरा यूरोप इससे प्रभावित हुआ, आर्थिक रूप से सबकी हानि हुई। बच्चों, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। जब युद्ध की इतनी हानि हुई कि पूरा यूरोप विपन्न हो गया, जो यूरोप कभी कर्जदाता हुआ करता था वह अब भिखारी हो चुका था। बच्चों, जर्मनी ने फ्रांस एवं बेल्जियम पर प्रारंभिक सफलता प्राप्त की और 1917 में जब मित्र राष्ट्रों के साथ में अमेरिका भी आ गया तो जर्मनी को झुकना पड़ा और नवंबर 1918 में जर्मनी को घुटने टेकने पड़े। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, नवंबर 1918। बच्चों, इसी को लेकर के फिर आगे वारसाय की संधि हुई। वारसाय की संधि इतिहास में बहुत याद रखी जाती है क्योंकि वारसाय की संधि से पूरा विश्व प्रभावित हुआ और बहुत कुछ जुड़ा है। आगे हम लोग देखते हैं, साम्राज्यवादी सोच के चलते जर्मनी को पराजय का मुंह देखना पड़ा और इसका फायदा किसने उठाया? जर्मनी में रहने वाली जो संसदीय ताकतें थीं, संसदीय बातों को मानने वाले लोग थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया। उन्होंने वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया। वाइमर एक स्थान है, वहाँ उन्होंने राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया। इस बैठक में संघीय लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। जर्मन जो संसद थी, राइख स्टॉग, क्या थी? राइख स्टॉग, ये जर्मन संसद का नाम। इसके लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ। बच्चों, जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन, जनप्रतिनिधियों के जो निर्वाचन हेतु महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान एवं सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। हाँ, किसको दिया गया? महिलाओं को और सभी वयस्क नागरिकों को बच्चों मताधिकार प्रदान किया गया। आगे चलते हैं बच्चों, ये एक चित्र है आपके समक्ष जिसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और ये जो है लिखा है वारसाय की संधि 28 जून 1919। बच्चों, ये जो 28 जून 1919 को वारसाय की अपमानजनक संधि हुई, ये मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के ऊपर थोप दी थी और यह संधि
अत्यंत जो है दुखदायी सिद्ध हुई, क्योंकि इस संधि के द्वारा पूरे विश्व पटल पर सभी कुछ बदल चुका था। आज हम लोग आगे चलते हैं। इसके द्वारा जर्मनी को अपने सभी उपनिवेश, जो जर्मनी के उपनिवेश थे, उनको 10% अपनी आबादी, 13% भूभाग और 75% जो लौह भंडार थे और 26% जो कोयला भंडार थे, यह फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को एवं लिथुआनिया को देने पड़े। आपको इस चित्र के माध्यम से हम स्पष्ट कर दें, बच्चों ये पूरा चित्र देख रहे हैं, ये कभी जर्मनी हुआ करता था, लेकिन जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वारसाई की संधि इन पर थोपी गई, तो आप देखेंगे कि यह जो एरिया है, देखिए गुलाबी वाला, ये दे दिया गया फ्रांस को, ये बेल्जियम को दे दिया, ये डेनमार्क को दे दिया और इधर पोलैंड को दे दिया, इतना हिस्सा जर्मनी का चला गया। बच्चों सोचो जरा कि जर्मनी कितना प्रभावित हुआ होगा। आगे चलते हैं। इतना ही नहीं, मित्र राष्ट्रों का इतने से भी जब पेट नहीं भरा, उन्होंने जर्मनी की सेना को भंग कर दिया। युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वार गिल्ट क्लास के तहत युद्ध से हुई भीषण तबाही का जिम्मेदार जर्मनी को ठहराते हुए उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे चुकता किसमें करना था, स्वर्ण मुद्राओं के रूप में या स्वर्ण कोष के रूप में। आप समझिए, इस अपमान से जर्मनी का विशेष वर्ग जो एक था वो अत्यंत क्रोधित हुआ और अपमानित हुआ। उन्हीं में से हिटलर एक था। बच्चों बहुत से लोगों ने जर्मनी में नाथसीवाद के उदय का एक प्रमुख कारण वारसाय की कठोर एवं अपमानजनक संधि को भी माना। उनका कहना था कि ना वारसाय की संधि होती और ना हिटलर का जन्म होता। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहले एक प्रश्न आपसे ले लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर लगाई गई अपमानजनक शर्तों का क्या परिणाम हुआ। निश्चित रूप से इसका जो परिणाम हुआ अत्यंत दुखद हुआ। जर्मनी में बदला लेने की भावना जागृत हुई और जो वहाँ का एक उग्र वर्ग था उसने हिटलर जैसे ताकतवर को, तानाशाह को जन्म दिया, जिसने पूरे विश्व को जो है बदल करके रख दिया। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि अपमान किसी का सोच समझ के करना चाहिए, और सम्मान अगर करना है तो आप किसी का कर सकते हैं, लेकिन अपमान अगर करना है तो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वह प्रतिक्रिया को जन्म देता है। हिटलर ने यही किया। बच्चों युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, अब हम उसको जान लेते हैं। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को अत्यधिक क्षति पहुँचाई। जो यूरोप कल तक अमीर हुआ करता था, कर्जदाता हुआ करता था, आज वो क्या हुआ, कर्जदार हो गया। पुराने जर्मन साम्राज्य के अपराधों की कीमत नवीन वाइमर गणराज्य चुका रहा था। जुर्माना देते देते आर्थिक रूप से अपंग हो चुके वाइमर गणराज्य के जो हितैषी थे, कौन, समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट, ये हितैषी थे गणराज्य के। आदि को नवंबर के अपराधी की संज्ञा कहकर के उपहास उड़ाया जाता था। जी हाँ, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मन के जो हिटलर जैसे लोग थे उनकी यह चाहत थी कि नहीं, यहाँ पे तानाशाही का राज्य कायम हो, लेकिन इन्होंने क्या किया, गणराज्य बनाया। तो गणराज्य बनाने वालों को नवंबर का अपराधी कहा जाता था, क्योंकि उसी समय युद्ध में जर्मनी की क्षति हुई थी। तो बच्चों प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय समाज में आम नागरिकों की अपेक्षा सैनिकों का विशेष सम्मान होने लगा। क्यों, जब प्रथम विश्व युद्ध में देखा उन्होंने तो सैनिकों की वहीं से सम्मान बढ़ गया। आम जनता में यह प्रचार था कि पुरुषों को आक्रामक एवं ताकतवर होना चाहिए। क्यों, जब ताकतवर पुरुष होंगे, आक्रामक होंगे, तो देश की रक्षा करने में सक्षम होंगे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार एवं राष्ट्रीय सम्मान सर्वोपरि था, परंतु सैनिकों की वास्तविक जिंदगी अत्यंत दयनीय थी। कैसे, जिन खंदकों में रहकर वे दुश्मनों की गोलियों का सामना करते थे, उन्हीं खंदकों में वे मुर्दों को खाने वाले चूहों को देखते थे, उनके साथ रहते थे और अपने साथियों को मरते हुए देखने के लिए विवश थे। अब बच्चों आपके मन में होगा ये खंदक क्या होते हैं। जी हाँ, खंदक युद्ध के मोर्चे पर, आपने बंकर शब्द सुना होगा, जमीन के अंदर जो खोद के रखा जाता है उसे खंदक कहा जाता है। तो स्थिति बहुत खराब थी सैनिकों की। बच्चों राजनीतिक रेडिकलवाद, यह एक आपके लिए नया शब्द है, इसे कहते हैं परिवर्तनवादी, जो परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, एवं आर्थिक संकट, अब इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वाइमर गणराज्य की स्थापना के साथ ही रूस में कौन सी क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, यह रूस में हुई थी। तो उसकी तर्ज पर जर्मनी में भी
स्पार्टकिस्ट लीग, स्पार्टकिस्ट लीग एक वहां का दल था। ये कौन थे? ये कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी। तो इनकी पार्टी ने क्या किया कि रूस वाली विचारधारा पर, चूंकि एक क्रांतिकारी विचारधारा से पोषित रहते थे, हिंसा में विश्वास रखते थे, तो इन्होंने क्या किया, मजदूरों और नाविकों की अपनी टोली बना ली और सोचा कि हम जर्मनी में भी रूस के आधार पर सोवियतों की सरकार बनाएंगे। बच्चों, बर्लिन में चारों ओर सोवियत किस्म की साम्यवादी शासन व्यवस्था के नारे गूंज रहे थे। जी हाँ, अतः समाजवादियों, डेमोक्रेट्स एवं कैथोलिक गुटों ने, कौन, जो गणतंत्र के समर्थक थे, उन्होंने वाइमर में एकत्र होकर साम्यवाद के विपरीत लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। अब आपको यहाँ अंतर स्पष्ट करना है कि साम्यवाद और लोकतंत्र में क्या अंतर है। बच्चों, साम्यवाद जो है वो कहता है कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई भक्षक नहीं, ये इस पर, और ये हिंसा को सर्वोपरि मानते हैं। इनके जो इनका सिद्धांत आया उसका जन्मदाता कार्ल मार्क्स था, जो कहता था विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। बच्चों, ये हिंसा में विश्वास करते हैं। और दूसरा लोकतंत्र, लोकतंत्र विश्वास करता है समानता पर, स्वतंत्रता पर और बंधुत्व पर, भाईचारे पर। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो गणराज्य बनाने वाले लोग चाह रहे थे, समाजवादी लोग, कैथोलिक लोग चाह रहे थे कि गणतंत्र बने, और ये चाह रहे थे कि साम्यवाद का शासन हो। इनमें आपस में क्या हुआ, द्वंद्व हुआ। वाइमर गणराज्य ने साम्यवादियों के आंदोलन को कुचल दिया, इसलिए साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। जी हाँ, और इसका फायदा किसने उठाया, तीसरे ने। कौन तीसरा? हिटलर ने। क्यों? ये दोनों आपस में लड़ते रहे और इन दोनों की वजह से हिटलर मजबूत होता गया, या कभी एक न हो पाए, एक होकर के कभी हिटलर को रोक न पाए, और हिटलर जैसे तानाशाह को इन्हीं दोनों लोगों के आपसी युद्ध ने देश को तानाशाही में झोंक दिया। आप एक चित्र देख रहे होंगे बच्चों, यह देखिए, यह स्पार्टकिस्ट लीग का एक आंदोलन है, आप देखिए चित्र में। तो ये साम्यवादी और समाजवादियों के बीच में जो द्वंद्व था उसको मैंने आपको समझाया। राजनीतिक रेडिकल विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिल गया। जी हाँ, कैसे? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी कर्जदार हो चुका था और युद्ध बाद अदायगी जो करनी थी, हमने आपको बताया कि स्वर्ण मुद्रा में करना था, लेकिन स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो चुके थे। अतः जर्मनी ने 1923 में कर्जा चुकाने से क्या किया, मना कर दिया। जब उसके पास बचा ही नहीं तो देगा कहां से। अब इसके जवाब में फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी के जो मुख्य कोयला भंडार थे, कौन से औद्योगिक इलाके जो थे, राइनलैंड और रूर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बच्चों, बदले में जर्मनी ने क्या किया कि फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध जताते हुए, आपको एक शब्द बताया था कि निष्क्रिय प्रतिरोध जताते हुए, वो अत्यधिक मात्रा में क्या किया कि कागज की मुद्रा छापना प्रारंभ कर दिया, कागज की मुद्रा छापना प्रारंभ कर दिया। उससे क्या हुआ, इससे उसकी मुद्रा जो मार्क थी, किसकी, जर्मनी की, मुद्रा का नाम है मार्क, तो उसका जो मूल्य है बहुत तेजी से गिरना प्रारंभ हो गया। आगे देखिए, बहुत आपको आनंद आने वाला है कि अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की जो कीमत थी वो 24,000 मार्क थी अप्रैल में, और उसके बाद देखिए जुलाई में क्या हुआ, मात्र 2 महीने के अंतराल पे देखिए 3,53,000 मार्क हो गई एक डॉलर की कीमत। अगस्त में देखिए 46,21,000 मार्क जो है एक डॉलर की कीमत हो गई, और दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क एक डॉलर की कीमत हो गई। बच्चों, जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, वैसे वैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ती गई। जर्मन नागरिक पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर के ले जाते थे। बच्चों, पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर के ले जाते थे, तब उन्हें एक पाव रोटी मिलती थी। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, इस स्थिति को अति मुद्रा स्फीति नाम दिया गया। अब आपके मन में होगा कि यह अति मुद्रा स्फीति क्या होती है, हम बताते हैं आपको। बच्चों, मुद्रा स्फीति उसे कहते हैं जब वस्तु का मूल्य आपका जो है क्या होता है, कीमत बहुत बढ़ जाती है, और जो हमारा पैसा है उसका मूल्य गिर जाता है। इसको बहुत हम संक्षेप में आपको बताएं सरल शब्दों में, तो ऐसे कह लें कि झोले में पैसे भर के ले जाना और मुट्ठी में सामान लेके आना, इस स्थिति को मुद्रा स्फीति कहा जाता है, कि हम रुपया इतना ले जाएं लेकिन सामान हम जेब में ले आएं,
ऐसी स्थिति को कहते हैं मुद्रा स्फीति की अवस्था। तो वही है जर्मनी में बन चुकी थी, जब वस्तु का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाए और मुद्रा का मूल्य गिर जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जर्मनी को इस संकट से निकालने में किसने साथ दिया? अमेरिका ने। क्यों साथ दिया? क्योंकि वह अभी उससे प्रभावित हो रहा था। हर जाने की जो शर्तें थीं उनको फिर से तय किया गया। मंदी के वर्ष कौन थे? 1929 से 1932। अमेरिका से मिल रही मदद कुछ समय तक तो काम आई, परंतु जैसे ही 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये क्या था? अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर बाजार, जैसे ही उसमें गिरावट आई, जर्मनी को जो मिलने वाली मदद थी वो बंद हो गई। कीमतों के गिरने के भय से लोगों ने अपने शेयर रातों रात बेचने प्रारंभ कर दिए। अब क्या हुआ? आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। भीषण मंदी के कारण अगले 3 वर्षों में जो अमेरिका की राष्ट्रीय आय थी वो आधी हो गई। बच्चों, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, निर्यात गिरने लगा। इसी मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। उत्पादन समाप्त हो गया था, बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई थी, लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके थे। रोजगार के समाप्त होने के कारण आपराधिक कार्यों में लोग लिप्त हो रहे थे। मुद्रा के अवमूल्यन के कारण मध्यम वर्ग, वेतनभोगी कर्मचारी आदि की बचत भी छोटी हो रही थी। अब आपके मन में होगा, ये अवमूल्यन क्या होता है? जब सरकार जानबूझ करके अपने मुद्रा के रेट को गिराए, वैल्यू को गिराए, ऐसी स्थिति को अवमूल्यन कहा जाता है। चारों ओर घोर निराशा का माहौल था। कृषि उत्पादों में गिरावट के चलते जो किसान वर्ग था वह भी परेशान था। राजनीतिक दृष्टि से वाइमर गणराज्य अपनी कमियों के कारण भी तानाशाही का शिकार हो सकता था। हाँ, जो हमारा वाइमर संविधान था बच्चों, उसमें कुछ कमियां थी। 2-3 कमियां भी बताते हैं। जर्मनी के संविधान में एक तो कमी थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और दूसरा अनुच्छेद 48। दोनों कमियां थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के कारण कभी भी किसी दल को पूर्ण बहुमत मिलना संभव नहीं था, एक तो यह कमी थी, और दूसरा अनुच्छेद 48। इसका क्या था कि राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का अधिकार था, नागरिक अधिकारों को रद्द करने का अधिकार था, और अध्यादेश के जरिए देश को चलाने का अधिकार था। यह जो है दो खतरनाक चीजें थी। लोगों का लोकतंत्र में विश्वास भी समाप्त होता जा रहा था। ये अब आपके मन में होगा आपातकाल क्या होता है? आपातकाल वह परिस्थिति होती है जब लोगों के मूलाधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं और सभी चीजें सरकार में जाकर के समाहित हो जाती हैं, हमारे कोई अधिकार नहीं बचते। बच्चों, एक प्रश्न है कि हमारे भारतीय संविधान में कौन सी बातें जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं? तो यही जो आपातकाल है ये जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया है। बच्चों, हिटलर का उदय, हिटलर का जो उदय था, अभी हमने बताया कि कौन कौन सी परिस्थितियां पैदा हुई जिनके कारण हिटलर का उदय हुआ। एक तो वारसाई की संधि, ऊपर से आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई, और तीसरी जो है जो हमारा वाइमर संविधान उसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हिटलर का उदय हुआ। तो आप इसको ध्यान से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संकटों ने हिटलर को सत्ता तक पहुंचाया। फिर से देखिए, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जो संकट हैं उन्होंने हिटलर का मार्ग प्रशस्त किया। जी हाँ, 1889 में ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ। एडोल्फ हिटलर जो है वो पूरी युवावस्था अत्यधिक गरीबी में इन्होंने बिताई। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये जर्मन में सेना में भर्ती हो गए। वारसाय की संधि से इनको बहुत गहरा आघात लगा और बदले की भावना ने इनको ऊपर सर्वोच्च पद तक पहुंचा दिया। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। बाद में इस संगठन पर ये कब्जा कर लिए और सर्वे सर्वा हो गए। आगे चलकर इन्होंने इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया। बाद में इसी को नाथसी पार्टी के नाम से जाना गया। बच्चों, महामंदी के दौर में नाथियों ने अपने प्रोपोगेंडा के दम पर लोगों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाया। अब आपके मन में होगा ये प्रोपोगेंडा क्या होता है? जी हाँ, जनमत को प्रभावित करने वाले पोस्टरों, फिल्मों, भाषणों के द्वारा विशेष तरीके से किया जाने वाला प्रचार प्रोपोगेंडा कहलाता है। या देखिए, एक हिटलर की सभा है, रैली, स्वास्तिक के चिन्ह लग बने हुए झंडे हैं, और यह देखिए हिटलर के इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये इनका प्रोपोगेंडा था। हिटलर बहुत अच्छा जो है वो प्रबंधक था। कैसे लोगों को प्रभावित करना है ये हिटलर को बखूबी आता था। लोगों से शपथ दिलाता था, लोग इसमें विश्वास करने के लिए शपथ लेते थे रैलियों में। ताली बजाने की एक स्पेशल कला थी, सब कुछ विशेष तरीके से हिटलर कराया करता था। हिटलर बहुत कुशल वक्ता था, बहुत ओजस्वी वक्ता था। अपने जोशीले भाषणों के दम पर 1932 तक अपनी पार्टी को जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, और जब चुनाव हुआ तो 37% वोट इसने पाए। आप सोचिए, यह एक देखिए
चित्र देखिए, इसमें हिटलर जो है शपथ दिला रहा है, ये देखिए राष्ट्र के प्रति समर्पण की सख्त शपथ दिला रहा है। और पहले ही हमने बताया कि एक दल, एक नेता और एक राष्ट्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति था हिटलर। बच्चों, वह अपनी सभी रैलियों में राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने, वारसाए की संधि का बदला लेने के लिए और जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का सपना लोगों को दिखाता था। और ये तीनों ही जर्मनी की दुखती रग थे। आप समझिए, ये देखिए चित्र कैसे एक लाइन से लोग खड़े हुए हैं और लाखों की संख्या में भीड़ है, कितना ज़्यादा हिटलर का प्रभुत्व हो चुका था। आप समझिए इस स्थिति को। आगे चलते हैं। हिटलर राजनीति की आडंबरपूर्ण शैली, आडंबरपूर्ण मतलब बनावटी शैली का प्रयोग करते हुए बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करता था। रैलियों में स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाथसी सैल्यूट, एक विशेष किस्म का जो है सैल्यूट करना, और भाषण के बाद खास अंदाज में तालियां बजवाना, ये सब इसका आडंबरपूर्ण व्यवस्था इसकी थी और यह इसका शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा था। नाथियों ने हिटलर को एक मसीहा की तरह प्रस्तुत किया, जो एक देवदूत बनकर जर्मनी को संकट से मुक्त कराने आया था, ऐसा नाथियों का कहना था। बच्चों, एक प्रश्न है हमारा कि जर्मनी की सत्ता में हिटलर के आगमन हेतु आप किसे उत्तरदायी मानेंगे? निश्चित रूप से आर्थिक संकट को, प्रथम विश्वयुद्ध के प्रभाव को, वारसाए की संधि को, जर्मनी में कोई ताकतवर नेता न होना आदि आदि ऐसे कारण हैं जिससे आप हिटलर और वाइमर संविधान की कमियों को आप इसका जिम्मेदार मान सकते हैं। आज हमने बच्चों इस अध्ययन में क्या क्या सीखा, इस पाठ में देखते हैं। नाथसीवाद विचारधारा को हमने समझा कि क्या थी। ये उच्च जो है कुलीन लोगों को महत्व देते थे, अपनी नस्ल को बड़ा बना बताते थे, यहूदियों को, जिप्सियों को, पोलैंड के निवासियों को ये निम्न नस्ल का समझते थे। वाइमर गणराज्य के उदय की परिस्थितियों को हमने समझा, कैसे समाजवादियों ने, कैथोलिक ने, डेमोक्रेट ने वाइमर गणराज्य की स्थापना की। प्रथम विश्वयुद्ध का जर्मनी पर जो प्रभाव पड़ा उसका अध्ययन हम लोगों ने किया। राजनीतिक रेडिकलवाद, परिवर्तनवादी और आर्थिक संकट 1929 से 32 तक क्या स्थिति रही यूरोप की, उसको हमने विधिवत जाना। आर्थिक मंदी के जो वर्ष थे उनके विषय में हमने जाना कि कितनी तरीके से तबाही आ चुकी थी। हिटलर के उदय के कारणों को हमने जाना। तो आज के अध्याय में बच्चों, हमें विश्वास है कि आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा। इसका जो आगे का अध्ययन है उसे हम द्वितीय भाग में आपको कराएंगे। आज का जो गृह कार्य आपके लिए हमारी तरफ से है, नाथसीवाद में नस्ल भेद को क्यों किया जाता था आपको स्पष्ट करना है। जर्मनी में एक राष्ट्र, एक दल, एक नेता के सिद्धांत को बलपूर्वक क्यों लागू किया, आपको इसको भी अपने शब्दों में उत्तर देना है। क्या जर्मनी में तानाशाही के उदय है तो आप वारसाई की संधि को दोषी मानते हैं? अगर मानते हैं तो आपको कारण भी लिखना होगा। बच्चों, आज हमारे पढ़ाए गए जो अध्ययन में आपको इससे संबंधित कुछ भी अगर अध्ययन करना है तो हमारे दीक्षा ऐप पर जा सकते हैं आप, अथवा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब लिंक पर भी जा करके आप अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों, हमें विश्वास है कि आज आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हुए आपका स्वागत करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।